अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, ज्योति की कायनात में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल की मंगोड़ी। बहुत ही इजी तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मूंग की दाल पानी में भिगो ली है। आप चाहें तो इसमें हरी जो छिलकों वाली मूंग की दाल आती है वो भी ले सकते हैं। और तकरीबन हमें इसे 2 घंटे पानी के अंदर भिगोना है। ये देखिए, दाल अच्छे से फूल गई है, अच्छे से भीग करके रेडी हो गई है। तो अब हमें लेना है एक मिक्सी का जार और उसमें दाल को डाल देना है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, तो सिर्फ इसमें हमें डालना है 7 से 8 लौंग। अगर आपकी दाल की ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप ज़्यादा लौंग डालिएगा। और ये देखिए, दाल इस तरीके से पिस गई है। इसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा, सिर्फ थोड़ा सा पानी हमें इसमें ऐड करना है और चम्मच की मदद से इसे घुमाते हुए पीस लीजिएगा। ये देखिए किस तरीके से दाल पीस गई है। और फिर बची हुई दाल है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके हमें पीस लेना है। दाल पीस करके देखिए रेडी हो गई है, बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी दाल हमें इसमें चाहिए। हमने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। ये देखिए अच्छे से अब इसे हमें मिक्स करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च तीखी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। और 1/2 ही चम्मच हमने इसमें ऐड करना है नमक। दोनों मिला करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हींग। मैं रामदेव हींग ले रही हूँ, आप कोई सी भी हींग ले लीजिएगा। और हींग की क्वांटिटी इसमें थोड़ी कम रखिएगा। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर फूला फूला हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और मूंग की दाल का बैटर बिल्कुल रेडी है। मूंग दाल मंगोड़ी होना घर में बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी अगर सब्ज़ी समझ में नहीं आती है तो झटपट हमें मंगोड़ी की सब्ज़ी बना लेनी चाहिए। आलू मंगोड़ी भी बना सकते हैं, कड़ी मंगोड़ी बना सकते हैं, मेथी मंगोड़ी हम बना सकते हैं। तो बस एक सब्ज़ी का बहुत अच्छा सहारा हो जाता है। और अब इसे बनाने के लिए मैं आपको एक देसी तरीका बता रही हूँ, बिल्कुल ईजी आसान तरीका। हमने लिए एक टाटा नमक की खाली थैली और उसे एक साइड से काट लिया है। अगर आपको मेहंदी का कोन बनाना आता है तो बस मेहंदी के कोन की तरह खाली एक कोन बना लीजिए और आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो आप चाहें तो दूध की खाली थैली आती है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मंगोड़ी बनाते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उस दिन तेज़ धूप हो। और हमेशा जब भी आप मंगोड़ी बनाएं तो सुबह जल्दी बनाएं, 9-9:30 के करीब आप मंगोड़ी बनाएं। तेज़ धूप में मंगोड़ी बनाएंगे तो वो एक दिन में सूख जाएगी, नहीं तो आप 2 दिन भी लग सकते हैं सूखने के अंदर। और ये देखिए कोन बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमें दाल को भर लेना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें दाल को भर लेना है इसमें। और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको फोल्ड करके इसे रबर की मदद से ऊपर रबर से पैक कर लेना है। इसे ज़्यादा मत भरिएगा वरना दाल ऊपर से बाहर निकलने लग जाएगी। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको इतनी जगह इसके ऊपर छोड़नी है। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है कॉर्न। और अब हमें एक तेज़ धूप के अंदर सूती कपड़ा या चुन्नी आपको बिछा लेनी है और कोन को छोटा सा आगे से काट लेना है। और ये देखिए छोटी छोटी सी मंगोड़ियाँ बनाना हमें स्टार्ट करना है। कितनी सुंदर, कितनी अच्छी मंगोड़ियाँ हमारी बनकर रेडी होंगी। आप चाहें तो मंगोड़ियाँ प्लेट में भी बना सकते हैं, एक कपड़े के ऊपर पॉलिथीन रख करके उसमें भी बना सकते हैं। और ये देखिए मंगोड़ियाँ बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। एक बार के कोन में देखिए माशाल्लाह मंगोड़ियाँ बन करके रेडी हुई है। कोन खाली हो जाए तो आप इसे दोबारा भर लीजिएगा और दोबारा बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। मंगोड़ियों को सूखने के अंदर 1 दिन या 2 दिन भी लग सकते हैं। मंगोड़ी किस तरह बनाई जाती है ये छोटी सी कोशिश मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।